हम तो यही कहते हैं कि मुर्गी बेचवाइए, सुअर बेचवाइए, जो बेचवाना बेचवाइए, लेकिन शुरुआत जो है सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बेटा से करवाइए। तो उनके संज्ञान में नहीं है, यहाँ लड़का लोग भूख रहा है, कुत्ता की तरह दिख नहीं रहा है, पेपर नहीं पढ़ते हैं। एक भी नेता, एक भी अधिकारी, एक भी कोई प्रशासन का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा तो मुझे बता दे आके। तालिबान एक भी ऐसे तालिबान नहीं बना, शुरू से वहाँ ऐसा ही सिस्टम चला। यहाँ की भी सरकार स्टूडेंट को तालिबान बनाने पर तुली हुई है। पहला ये झारखंड है जहाँ पर बिना कॉपी जांचे पास किया जाता है। मुख्यमंत्री को जब कुछ पता ही नहीं है तो छोड़ दे कुछ। 7 बार जो है जेपीएससी परीक्षा हुआ है, आप समझिए कितने अंतराल के बाद एक एक परीक्षा होती होगी। मुंह बंद हो गया है पैसा से, तो कैसे बोलेंगे जेपीएससी के खिलाफ है मुख्यमंत्री जी? उससे पहले बोल दिए जितना भी प्राइमरी स्कूल है ना उन सबको बंद कर दीजिए। लेकिन यहाँ का युवाओं का कहना है, अभ्यर्थियों का कहना है, हेमंत है तो हिम्मत नहीं है, हेमंत है तो दिक्कत है, दिक्कत है। जब ये पोजीशन में के सुनाइएगा जरा एक बार। देखिए क्या लिखे कि जेपीएससी को कठपुतली बनाकर इस निर्जल सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है। पहला ये झारखंड है जहाँ पर बिना कॉपी जांचे पास किया जाता है। आप तमाम जो है सो मीडिया बंद हो, जो यहाँ पर है यहाँ प्रशासन के लोग, आप लोग भी सुन लीजिए, भले आज उधर खड़ा है कल बच्चा आपका मेरे पीछे खड़ा रहेगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। सारे लोग नहीं नहीं नहीं, अरे कच्चे पैसा वाला तो सीटवा लिमिटेड है, हो तो आइए स्मार्ट बेटवा का हो जाएगा, ये जो रोडवा वाला बेटवन का नहीं होगा। इसलिए सर ये बताइए, जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है जेपीएससी में, तो वो जो गरीब बच्चे जो गढ़वा से, मलामू से, लातेहार से, दुमका से, यहाँ वहाँ से आते हैं, उनके माता पिता जो है खेत बेच के, अनाज बेच के उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं, सर वो अभी इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे? कुछ नहीं सोच रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे कि गरीब पैदा हुए हैं तो बेवकूफ है, तो उनको तो एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था से भरोसा उठ गया होगा। बिल्कुल उठेगा। तालिबान एक भी ऐसे तालिबान नहीं बना, शुरू से वहाँ ऐसा ही सिस्टम चला। यहाँ की भी सरकार स्टूडेंट को तालिबानी बनाने पर तुली हुई है। जब फर्जीवाड़ा हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो इस तरह से रंगदारी क्यों? इसको रंगदारी ही शब्द बोला जा सकता है, और क्या बोले? बिल्कुल रंगदारी है। प्रशासन को खुश होना चाहिए कि क्या हो रहा है। सारे अधिकारी आखिर जेपीएससी में जो चेयरमैन जिनको बनाया गया उन पर खुद 196 करोड़ का घोटाला का केस चल रहा है, घोटाला तो मुख्यमंत्री को क्या नियुक्त करने से पता नहीं था? जब राज्यपाल के पास उनके नाम पर अनुशंसा कर रहे थे तो क्या इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं थी? मुख्यमंत्री साहब बोल क्यों नहीं रहे एक शब्द? तो मुख्यमंत्री कैसे बोलेंगे? उन्होंने ऐसा तो नहीं है कि उनका भी हाथ है? मुख्यमंत्री के बिना सहमति के गलत हो रहा है क्या? मुख्यमंत्री को जब कुछ पता ही नहीं है तो छोड़ दे कुछ। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारी जो ये सारा जो कारनामा हो रहा है उनके संज्ञान में है ये सारी चीज? तो उनके संज्ञान में नहीं है, यहाँ लड़का लोग भूख रहा है, कुत्ता की तरह दिख नहीं रहा है, पेपर नहीं पढ़ते हैं। अच्छा कुछ देखते ही नहीं है मुख्यमंत्री, तो फिर बस मुख्यमंत्री अपना आराम कर रहे हैं। खैर चुनाव आएगा तो समझ में आएगा, लेकिन वो तो चुनाव के समय बड़ी बड़ी वादाएं किए थे कि 5-5 लाख नौकरियां देंगे हम, यही नौकरी है, यही वाड़ा हो जा रहा है। मुर्गी पालने बोल रहे हैं ना, मुर्गी पालिए, दूध बेचिए, अंडा बेचिए, यही नौकरी है। मतलब वो अपनी बातों पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा आपको ये लगता है कि मान के चलिए अभी तो चोरी पकड़ी गई है, इससे पहले भी फर्जीवाड़ा हुआ होगा? बिल्कुल, कौन सा जेपीएससी जिसमें विवाद नहीं है? सर बताइए तो फिर स्टूडेंट क्यों पढ़ेगा झारखंड में? बस टाइम पास, उसका पढ़ने का उम्र है तो पढ़ेगा, पढ़ के संतोष करेगा। पढ़ के संतोष करेगा मतलब फिर उम्मीद छोड़ देगा कि हमको नौकरी करना है? नौकरी का उम्मीद छोड़ के आप परीक्षा लिखिए, अगर आपका हो गया तो भगवान का आशीर्वाद, और नहीं हुआ तो आपकी गलती, आप फॉर्म भरे, पैसा नहीं रखे। आखिर जेपीएससी उस समय क्यों चैलेंज करी थी स्टूडेंट को? आप सबूत लाइए, सबूत लाइए, सबूत क्यों लाइए? एग्जाम लिखने कैंडिडेट गया था, सबूत जमा करने नहीं गया? बिल्कुल सही। और जब सामने आ गई गलती आपकी तो फिर आप चुप क्यों लगा दिए? वो सब चुप्पी साथ के बैठा, फिर उसका ओरिजिनल एमआर कहां गया स्टूडेंट का? देखिए ये सवाल बनता है कि वो जो स्टूडेंट पास हुए हैं उसका ओरिजिनल ओएमआर सीट कहां गया? तो क्रिमिनल चलना चाहिए, जो सेंटर पर जो भी वहां थे मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर थे वो क्या कर रहे थे? कॉपी सील के समय कॉपी कहां गया?
और पहली बार ऐसा हुआ है कि ओएमआर पर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं था, उसमें कॉलम ही नहीं था इन्विजिलेटर का सिग्नेचर का, उसका सील था सेंटर का, तो जानबूझ के इस तरह से किया गया है। जेपीएससी अधिकारी सरकारी कुर्सी पर बैठ के स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर दिया है। सरकार खिलवाड़ कर रही है, जेपीएससी सरकार से बाहर नहीं है, जेपीएससी सरकार कर रही है। यहाँ तो चेयरमैन को बनाया ही जाता है कि हाँ मेरा जान पहचान के कौन है, मेंबर कौन मेरा जान पहचान के, मेरे पार्टी के कौन है, यहाँ तो सब कुछ हो रहा है, करवाया जा रहा है, हो क्या रहा है। जब तक जान पहचान वाला मेंबर बनेगा, जब तक रिश्तेदारी चलेगा, तब तक ये समस्या होती रहेगी। जब तक इस पे कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक ऐसे लोगों को जेल में नहीं बंद किया जाएगा, तब तक फर्जीवाड़ा होता रहेगा, चाहे कितना भी आंदोलन कर लिया जाए। झारखंड सरकार को बने हुए 21 साल हो गया, लेकिन 21 साल के अंदर में 7 बार जो है जेपीएससी परीक्षा हुआ है। आप समझिए कितने अंतराल के बाद एक एक परीक्षा होती होगी। अधिकारी जो है मोटा वाला गत्ता कुर्सी पर बैठ के एसी के नीचे मजा करता है, और स्टूडेंट अभ्यर्थी जो है यहाँ पर बेचारा बिना खाए पिए यहाँ पे आंदोलन कर रहा है, अनशन पर बैठा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री को तो चाहिए था कि इनसे एक बार आके बात करें, इस बात पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन नहीं, वो करेंगे ही नहीं। वो मुर्गी बेचवा रहे हैं, अंडा उबलवा रहे हैं। उबलवाइए सर, 3 साल और है, यही स्टूडेंट आपको जवाब दे देगी। फिर मनोज सर बताइए ना, मतलब ये कैसे होगा, मतलब जो युवा है, आप लोग तो चलिए अभी हो रहा, लेकिन जो अभी आने वाली जो पीढ़ी है झारखंड में, वो कैसे क्या सोचेगी, कैसे करेगी इस पे? हम तो यही कहते हैं कि मुर्गी बेचवाइए, सुअर बेचवाइए, जो बेचवाना बेचवाइए, लेकिन शुरुआत जो है सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बेटा से करवाइए। ये देखिए, अगर यदि अच्छा काम होता तो शिलान्यास मुख्यमंत्री करते हैं, तो ये पहले सबसे पहले उनके परिवार के सदस्य जो हैं, उनका बेटा हमको बताए कि वो सुअर चराए और उनका पहले पालन करें, मुर्गी चराए मुर्गी का पालन करें, और उसके बाद जो शुरुआत शिलान्यास अच्छा होगा यदि अच्छे लोगों से, तो सब बच्चा लोग करेगा। प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, तो शिलान्यास अच्छा चीज का करते हैं ना, बिल्कुल, तो शिलान्यास उन्हीं लोगों से करवाइए। मतलब ये देखिए, मनोज सर जो है कह रहे हैं हम लोग भी करेंगे, ये लोग बोल रहे हैं, स्टूडेंट भी कह रहे हैं यहाँ पे अभ्यर्थी, वो भी कह रहे हैं कि हम ही मुर्गी पालन करेंगे। तो बताइए, हम पूछना चाहते हैं मंत्री लोग से, अभी फॉर्चूनर दिया जा रहा है महाराज, गाड़ियां पड़ी हुई है झारखंड सरकार के स्टॉक में, लेकिन 40-40, 50-50 लाख रुपए का 11 मंत्रियों को फॉर्चूनर कार दिया जा रहा है, बंगला स्विमिंग पूल वाला बंगला दिया जा रहा है, एकदम मजा से नहाइए गमछा पहन के, अच्छा एक नंबर का बंगला बन रहा है। आप समझिए झारखंड का एजुकेशन सिस्टम, सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है जी, हमको बता दे कोई, एक भी नेता, एक भी अधिकारी, एक भी कोई प्रशासन का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा तो मुझे बता दे आके। आप लोग पढ़े हैं, मैं मंत्री की बात कर रहा हूँ, विधायक की बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ता है सरकारी स्कूल में, बिल्कुल बिल्कुल, बता दे कोई अगर पढ़ता होगा तो। जेपीएससी मतलब मैंने हो गया है घोटाला, सिंपल से एक ही बात। और ऐसे कब तक चलेगा जी ये, जब तक मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तब तक चलते रहेगा, अनवरत चलेगा, जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं सुधरेंगे तब तक जेपीएससी। ये तो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं इसके बारे में, तो काहे बोलेंगे, वो तो जान रहे कि गलती हम ही किया था, अब कोई गलती करके बोलेगा कि हम गलती करेंगे, तब तक सत्यवादी हरिश्चंद्र हो जाएंगे। पैसा से कैसे बोलेंगे, मुंह बंद हो गया है पैसा से, तो कैसे बोलेंगे जेपीएससी के खिलाफ है मुख्यमंत्री जी। मतलब इनके पास पैसा की कमी हो जा रही है कि स्टूडेंट से पैसा ले ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल कमी हो जा रही है, इसलिए तो 100 रुपए में फॉर्म भरवाए थे कि दूसरा से पैसा क्योंकि लेके बैठे हुए, तो सस्ता में काम चल गया। अब हम लोग क्या करें, हम लोग मुर्गी पालन करें, भैंस चराएं, बकरी चराएं, उनसे बैठ, जैसे भैया ने बताया, मनोज भैया ने, कि पहले बोले कि मुख्यमंत्री जी शुरुआत करें, उसके बाद हम लोग देखा था कि हम लोग भी शुरू करेंगे जी। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग बेचेंगे भी, काटेंगे भी, क्या करेंगे। ये देखिए मनोज सर और एक यहाँ पे युवा है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो युवा है झारखंड का मुर्गी पालन पक्का करेगा, श्योर करेगा, लेकिन ये पहल कौन शुरू करेगा, मुख्यमंत्री साहब या कोई मंत्री झारखंड का मुर्गी पालन का शुरुआत कर दे, उसका शिलान्यास कर दे, उसका उद्घाटन कर दे कि आज से हम अपने बच्चे को मुर्गी पालन करवा रहे हैं। ये लोग भी करेगा, कीजिएगा ना जी। करेंगे। सर
उससे पहले बोल दिए जितना भी प्राइमरी स्कूल है ना जी, उन सबको बंद कर दीजिए जी, वहाँ से मुर्गी फार्म और जो भी व्यवस्था है उसको शुरुआत कीजिए, वहाँ जितना भी स्कूल कॉलेज है सबको बंद कर दीजिए जी। जब पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिलेगा तो झूठ मूठ क्यों पढ़ेंगे, पैसा खर्चा करके क्यों करेंगे हम पैसा खर्चा। पहले आप सुनिए, पहले पूरा स्कूल कॉलेज को बंद करिए, और नहीं वकरा बंद कर पाते हैं तो जेपीएससी को बंद कर दीजिए, जेएसएससी को बंद कर दीजिए। जो नौकरी आपको देने नहीं है, मुर्गियां पालन करना है, तो ये करोड़ों और अरबों रुपया इन लोगों को वेतन कहां दे रहे हैं। जेएसएससी का ऑफिस अरबों रुपया से बनाए हैं, इसको पहले सपाट करिए, हॉस्पिटल में बदलिए, यह हॉस्पिटल में बदलिए। ये देखिए अभ्यर्थी जो यहाँ पे एकदम गुस्से में लाल है, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला होगा, फर्जीवाड़ा होगा, तो गुस्सा होगा ना जी, गुस्सा काहे नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, हेमंत है तो हिम्मत है, कहाँ गया हिम्मत। लेकिन यहाँ का युवाओं का कहना है, अभ्यर्थियों का कहना है, हेमंत है तो हिम्मत नहीं है, हेमंत है तो दिक्कत है, दिक्कत है। यह देखिए 2019 का ये ट्वीट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जब ये पोजीशन में पढ़ के सुनाइएगा जरा एक बार। देखिए क्या लिखे कि जेपीएससी को कठपुतली बनाकर इस निर्जल सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है उसे झारखंडी युवा कभी माफ नहीं करेगा। जेपीएससी को लेकर अपनी संवेदनशीलता दिखाने के लिए मैं @ रघुवर सरकार और स्पीकर महोदय से इस्तीफा की मांग करता था। आप काहे नहीं इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं इस्तीफा। ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री साहब, बताइए आप तो 2019 में ट्वीट कर बताए थे रघुवर दास से इस्तीफा मांग रहे थे, तो आप इस्तीफा कब दे रहे हैं हमको बताइए जरा। ये भी है उधर से इधर देखते रहिए भोकाल।